वो लाइफ में एक बड़ी बात कही जाती है ना कि सो मस्ट गो ऑन, शायद उसी की वजह है जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। निराशापूर्ण रहा जिस तरह की नोटिफिकेशन देखने को मिली है, और दुख हुआ कहीं ना कहीं क्योंकि इतने प्रयास इतनी चीज़ों के बाद भी कोई बच्चों की बात समझने को तैयार नहीं है। दिल अंदर से बहुत दुख रहा है और थोड़ा स्वास्थ्य भी नासाज है इस चीज़ को लेकर के, और बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी कि आकर के क्या ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आपको दूंगा, लेकिन कहा जाता है ना कि सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ जो हैं, उनको भी हमारा निभाना कर्तव्य होता है, और शायद उसी जिम्मेदारी के तहत आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल नेवी एमआर का जो है जस्टिफाइड तरीके से डिटेल आ चुकी है। 29 जो है अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन था कि लास्ट अक्टूबर में ये भेजने वाले हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फिर से उसी प्रक्रिया को ये करेंगे जो कर रहे हैं। 2/11 ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं, 3-4 दिन का ही टाइम मिल रहा है मुख्य तौर पर फॉर्म को अप्लाई करने का। बट कोई नहीं बेटा, फॉर्म फिर से अप्लाई करिए एक पॉजिटिविटी के साथ, एक जोश के साथ, जिंदगी का नाम ही यही है और इसी प्रक्रिया में लेके चल रहे हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ लेके आपको इन्फॉर्मेशन की तरफ और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उनको बेहतर ढंग से समझते हैं। इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्रूट एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2021 जो कि घोषित हो चुका है। इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट मैट्रिक सेलर एंट्री एमआर अप्रैल 2022 बैच, जैसे कि आपको पता ही है कि नेवी एसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बैचेस जो हैं वो अगर जनवरी या फेब में ज्वाइनिंग होती है तो उन्हीं के 2 महीने बाद, दैट मीन जैसे कि इधर जो ज्वाइनिंग अगस्त में हुई तो उनका अक्टूबर में हुआ, तो उसी प्रक्रिया में जैसे वहाँ ज्वाइनिंग फरवरी में होती है तो इनका अप्रैल में होता है। नेवी एमआर की वैकेंसी आपको पहले से ही पता है कि बाद में भरी जाती है जब वहाँ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बच्चे अपने फर्दर ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, तो सीट जब वहाँ वैकेंट होती है तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं नेवी एमआर के और इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नाविक डीबी के बच्चे होते हैं जाकर के अप्रैल बैच में ज्वाइनिंग करते हैं। जैसे हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि नेवी एमआर के भी बच्चों की ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो रही है और क्रमशः जो है ज्वाइनिंग जो है नाविक डीबी की भी 26 अक्टूबर से शुरू हो जाए। कैंडिडेट हु वॉन्ट टू ज्वाइन नेवी एमआर 2022 कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 29 अक्टूबर 2021 टू 2 नवंबर 2021। बिल्कुल 29 अक्टूबर से लेके भैया 2 नवंबर 2021 तक आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया 29 को स्टार्ट होगा, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 2 नवंबर तक है, एंड एग्जाम डेट ऑब्वियसली जल्दी ही नोटिफाइड कर दी जाएगी आपको, एंड बट एक्सपेक्टेशन तो सबको क्लियर ही है। जल्दी नोटिफाइड मतलब इन सेंस की थोड़ा फास्ट प्रोसेस करेंगे, मुझे लगता है कि ये नवंबर लास्ट दिसंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक ये शेड्यूल कर देंगे इस चीज़ को। ट्रेनिंग आपको पता ही है अप्रैल में शेड्यूल होना है। एप्लीकेशन चार्जेस किसी चीज़ की नहीं है, एंड कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है, ऑनलाइन साइट से जाके विजिट करेंगे। इंडियन नेवी एमआर अप्रैल 2021 वैकेंसी इस बार 300 पोस्ट हो चुकी हैं, जो 400 हुआ करती थी उसको 350 किया गया, 350 से 300 किया गया। काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, इंडियन नेवी क्या चाहती है, और ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं वाकई में उदास हूँ इस चीज़ को लेकर के, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हमारा काम है जानकारी देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, तो आई कम एंड पास द इन्फॉर्मेशन। नेवी से एंट्री की जब एलिजिबिलिटी और एज लिमिट इन सबको भी समझ लें, तो जो वैकेंसी है 3 ही कैटेगरी में आती है, सैफ होते हैं, स्टोर्ड होते हैं और हाइजीनिस्ट होते हैं। 10th स्टैंडर्ड चाहिए इसके लिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप हो, एंड बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन अपडेट होती है तो एक बार आके अपडेट कर देंगे। एज को लेकर भी बच्चे प्रश्न पूछ रहे, तो 1/4/2002 से भी है, 31/3/2005, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2005, ये आपका एज है। पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ बच्चा, इन बिटवीन जन्म हुआ, इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एमआर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले तो हाइट को लेके बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो 157 सेंटीमीटर, दैट मीन 157 सेंटीमीटर का आपका है, इसको लेके बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 7 मिनट, ध्यान रखिएगा आप, 7 मिनट का समय दिया जाता है, बट बेटा आप हीरो हैं, आप 6 मिनट में करते हैं और बहुत कुछ आप कर सकते हैं बट मौका तो मिले। स्क्वाट्स उठक बैठक 20 है बच्चा आपका, चेस्ट मिनिमम 5 सेंटीमीटर का है, एंड एग्ज़ाम का जो इस बार शेड्यूल है जो सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है ऑफलाइन मोड की, इन्होंने एक कन्फर्मेशन दे दी है इस चीज़ को लेकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा बिल्कुल फॉर्म आ रहा है, जम के इसको भरिए, दिस नथिंग लाइक दैट, और कुछ चीज़ें ईश्वर के भरोसे छोड़िए, शायद कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना किसी के भी हाथ में है। मुझे लगता है कि अब बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में हो गया है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, और व्यथित हो जाता हूँ कभी कभी इन चीज़ों को देखने के बाद, बट इसके बावजूद मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप योद्धा हैं बेटा, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती हैं, बस आप में जज्बा होना चाहिए प्रयास करने का, एंड
रास्ते सब मिलते हैं और एफर्ट्स आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रमशः अभी आएंगी आपके सामने और आपको मौका मिलेगा बेहतर करने का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, लोगों को बताएं, फॉर्म आ चुका है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।